नहीं होगा, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते और कभी भी आप सेफ नहीं होंगे जहाँ पे आप कहते हो कि आई नो, क्योंकि आई नो से अल्लाह ताला की रात को इंसान कभी नहीं कह सकता कि आई नो, इंसान डेवलप होना नहीं थी। तो अगेन आप लोगों का जो फीडबैक है और आप लोगों का जो चीज़ों सजेशन है वो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप क्रिटिसाइज भी करें वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में क्रिटिसिज्म नहीं है तो वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, वो एक रिवेल्यू चीज़ नहीं है जिसमें क्रिटिसिज्म नहीं होता, ठीक है। तो क्रिटिसाइज भी करें इसमें, अगर कोई आपको फ्लॉ नजर आया है थोड़े मिनट में या मैंने कोई बात कह दी है ऐसी, तो या किसी के इमोशनली या रिलीजियसली या कल्चरली, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। थैंक यू सो मच। अब बात जो है बोलती की है, गोल्स आर रियली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल तक जब पढ़ाया जाता है, आपने शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी मीन समवेयर, यू हैव टू बी मतलब ही होना पड़ता है आपको सर कहीं किसी ऐसे मुकाम पे, ये पढ़ाया जाता है, बिलीव मी। अब मेरी बात सुने, दो टाइप के गोल्स होते हैं, एक होते हैं मेन गोल्स और एक होते हैं एंड गोल्स। तो मैं उस रेस से बच्चों को, नो डाउट होते थे कंपटीशन के बगैर तो होता नहीं है, ठीक है, कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन इमोशनल कंपटीशन में वो, जैसे ये कंपटीशन मैंने आज करवाया है, इसमें कोई भी बच्चा हर्ट नहीं हुआ, ठीक है, पेरेंट्स चाहे हुए हैं मैंने बता दिया, ठीक है। तो चीज़ ये है कि जो मेरा पर्पज है और जो एमबीसी मूवमेंट्स का भी पर्पज है, काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इंप्लीमेंट भी हुआ है। बिलीव मुझे पेरेंट्स आकर बताते हैं कि सर बच्चे घरों में ना, ये जो भी कुछ बच्चियों की हुई थी ना, उनके गलती करती हैं कि भाइयों के वो पैंट कोट और टाई पहन के ना मेरे जैसे वो घर में एक्टिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रही होती है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ कि देखिए जो आप काम कर रहे हैं कितना बड़ा और कितना अजीम काम है, कि हमारा जिस मजहब से तलक है वो इस्लाम है, और इस्लाम का स्टार्ट ही इकरा बेस में रब अल्लाह जी के पढ़ अपने रब के नाम से, वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर बरसगीर बात कहीं के अंदर आप देखें तो सर सैयद अहमद खान ने इस चीज का स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि वो नॉलेज कि जो बेस्ट आपसे ले गए उसको अगर रीगेन आपने करना है तो उसके लिए आपने इंग्लिश को सीखना है। Exactly. तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्ट हमारा ये होना चाहिए कि लर्न करें इंग्लिश और उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो गेन ऑफ नॉलेज हो। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना उनको आगे ला के दिखा दे, उनको कहते हैं नहीं, जो बैक बेंचर्स है उनको पढ़ना नहीं आता उनको आगे दिखाओ, और जो फर्स्ट है और एट ग्रेड स्टूडेंट्स है उनको पीछे बैठाओ कि वो तो सीख रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपने आपकी पॉलिसी होगी ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये और यही बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल का जब पोर्टर बनाया जाता है पाकिस्तान में तो मोस्टली बच्चों को वो कहते हैं इंग्लिश, हालांकि कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश का कोई तल्लुक नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल तो ये है कि एक बॉय एक जज से कैसे बात कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहा है, हस्बैंड अपनी वाइफ से कैसे बात कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल तो ये होती है, ये हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। कन्वर्सेशन से बढ़ के अब नॉलेज जो है, चूंकि
ये बेसिक हमारे पास था, मुसलमानों का वर्षा था, सारा कुछ था, लेकिन गेम किसी और ने कर लिया। अब उसको रीगेन करने के लिए मैं जैसा पहले मैंने बात की कि ये चीज इसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। मैं लास्ट बात आपसे कहूँगा, उसके बाद क्योंकि टाइम का भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आज का जो इंजीनियरिंग है, जो आज का इंसान है, फिलोसफी से बड़ी रिलेटेड बात है, आज का इंसान उठा के 5-8 साल पहले वाले इतना डेवलप किए थे उसे उसे हम कहें ऑब्जर्व करो, वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि यार यहाँ पे तो एक ऐसा इंसान है कि जो बगैर माचिस के आग भी जला लेता है, यहाँ पे तो एक ऐसा इंसान है जो लकड़ी का तीर बना के शिकार भी कर लेता है, यहाँ पे तो एक ऐसा इंसान है कि जो 3-4 लकड़ियाँ जोड़ के 5-6 लकड़ियाँ जोड़ के कश्ती बना लेता है, ठीक है। अब 5-4 साल पहले वाला जो प्लेनेट है वहाँ का इंसान उठा के यहाँ वाले प्लेनेट पे ले आओ, ठीक है, दुनिया आपके हाथ में, ठीक है, कितनी होम डिलीवरी सर्विस आ रही है, कपड़ों की, खाने की, ज्वेलरी, हर चीज की होम डिलीवरी सर्विस, मतलब बड़े मान दुनिया आपके हाथ में, लेकिन बाद में वो शॉप में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार 5-8 साल पहले मैंने अपने चाचा से जो दूसरे सिटी में रहता है उससे मिला होता था तो मुझे 6 महीने का सफर करना पड़ता घोड़े पे या किसी पे दो या ट्रांसपोर्ट का, या मैंने किसी से कम्युनिकेशन करनी होती थी तो खत लिखो या कुछ इस तरह का, तो बड़ा टाइम लगता था। ये जो इंसान है इसके पास जो कम्युनिकेशन है सेकंड लेवल पे, सेकंड ही मैसेज करता है, मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन वो कहता है कि यार जब मैं इस प्लेनेट पे 5-8 साल पहले वाले पे था तो बहुत प्यार था, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत जेनरोसिटी थी, बहुत लव था, बहुत पीस था, बात नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कम्युनिकेशन रिसोर्सेज नहीं है, कहता है कम्युनिकेशन रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी मोहब्बत नहीं है, फिर भी दिलों में नफरत है, फिर भी दिलों में प्यार है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि वी हैव बिकम द सर्वेंट्स ऑफ मटेरियलिस्टिक स्टफ, ठीक है। तो बेसिकली इंसान दोनों इंटेलिजेंट थे, 5-8 साल पहले पता नहीं रात वाला ज्ञात वाला भी इंटेलिजेंट है, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस को कहीं पे और कहीं और भी यूज कर रहा है, ठीक है। आज इंसान ने इंसान को कत्ल करने का वेपन बनाया हुआ है, ठीक है। तो खैर वो एक लॉन्ग डिबेट है, ये जो आइडिया मैंने आपको बताया इस आइडिया का मकसद ये था कि आप लोग घरों में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में, कोलीग्स में ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करें, ज्यादा से ज्यादा पीस करें, ठीक है। तो उसकी पहली जो है वो आप चीज क्या की कर रहे हैं, आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि यार कोई भी काम गलत है, जब उसके पास आर्गुमेंट होता तो मेरा सब कुछ होगा, और अगर वो गलत है तो मैं सारा कुछ एनीवे थैंक यू सो मच।